पैसा सरकार दे रही है, पैसा सरकार दे रही है, सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वह अन्न आपके माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है। आपको जो श्रेय मिल रहा है उस श्रेय को ही ध्यान में रख करके हम भी इस कोटेदार के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपका लाभांश प्रति क्विंटल जो 70 रुपया था वह बढ़ा करके अब 90 रुपया हो रहा है। और यही नहीं, एक तो लाभांश आपका बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल विजिटर के एक नए लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी में राशन की दुकान बनेंगी कॉमन सर्विस सेंटर, दुकानों पर बनेंगे आधार और पैन कार्ड, योगी ने साइन किया MOU, बोले बढ़ेगी कोटेदारों की लाभांश वृद्धि। कोटेदारों को योगी सरकार CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में और सक्षम बनाने की पहल की है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार और CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU साइन किया गया। वहीं योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपए लाभांश वृद्धि की घोषणा भी की। कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपया हो गया। इससे सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का सालाना भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इसे कोटेदार और सशक्त बनेंगे और राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का फायदा आम पब्लिक को भी मिलेगा। कोटेदारों की भी बढ़ेगी कमाई। इसमें CM योगी ने कहा कि प्रदेश भर में राशन की 80,000 के करीब उचित दर की दुकानें हैं। इन दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाने से यहां कोटेदारों की आय बढ़ेगी, वहीं आम पब्लिक को भी काफी सुविधा मिलेगी। कोटेदार की दुकानों से राशन लेने के साथ ही लोग अब राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ वोटर लिस्ट से जुड़े काम भी करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोटेदारों को मिलेगा CSC का दर्जा। कोटेदार के यहाँ हर वह सुविधा मिलेगी जो CSC पर मिलती है। कोटेदारों को CHC का दर्जा देने की कार्य योजना सरकार के 100 दिन के लक्ष्य के तहत पूरी की गई है। CSC ई गवर्नेंस इन सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ होने वाला MOU कोटेदारों के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा होगा। कोटेदारों को अपग्रेड करेगी सरकार। CM ने कहा कि यूपी सरकार कोटेदारों को जल्द ही अपग्रेड करेगी। करीब प्रदेश में 15 करोड़ लोग कोटेदारों से खाद्यान्न लेते हैं। इसके बावजूद कई बार कोटेदारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से तकनीकी आधारित अभियान प्रारंभ किया गया। कोटे की दुकानों को तकनीक से जोड़ना वर्ष 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश के लिए सपना था, पर निर्धारित समय सीमा में 80,000 कोटे की दुकानों पर सरकार ने EPOS मशीन की सुविधा सुनिश्चित की। इसका परिणाम रहा कि कोरोना संकट काल में भी 15 करोड़ लोगों को बिना संकट के राशन मिलता रहा। कोरोना के दौर में भी यूपी में कोटेदारों के सहयोग से जितनी अच्छी राशन वितरण व्यवस्था हुई उसकी सर्वत्र सराहना की जाती है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोटे की दुकानों के CSC के रूप में सक्षम होने के साथ ही सरकार इनके जरिए बैंकिंग सुविधा के लोगों तक पहुंचाएगी। बैंकों के साथ MOU होगा। सरकार कोटेदारों के जरिए सामान्य नागरिक के जीवन में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। हमारे भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में अन्न को ब्रह्म माना गया है और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस दान के हकदार बन जाते हैं। पैसा सरकार दे रही है, पैसा सरकार दे रही है,
सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वह अन्न आपके माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है। आपको जो श्रेय मिल रहा है उस श्रेय को ही ध्यान में रख करके हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि देखिए हम भी इस कोटेदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपका लाभांश प्रति क्विंटल जो 70 रुपया था वह बढ़ा करके अब 90 रुपया हो रहा है। और यही नहीं, एक तो लाभांश आपका बढ़ रहा है और दूसरा सीएससी की सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आपके दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर ई स्टैम्प की सुविधा की बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जोड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब एमओयू आगे बढ़ेगा तो यह कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान में ही पैसा जमा हो और आपका पैसा आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ओके करें, ताकि हमारे लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप किसी भी तरह की जानकारी या सुझाव आप देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।